मन का भरोसा मरते समय तक मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये अब तो हमारे बस में है, ये मन कभी बस में नहीं होता। अच्छा ऐसे समझना, शरीर एक रथ है, हमारा मनुष्य शरीर क्या है? रथ। और रथ को चलाने के लिए जो घोड़े लगते हैं, तो घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, रसना, हाथ, पैर, ये सब क्या है? इंद्रियां है ना, तो ये घोड़े हैं। इन घोड़ों की लगाम जिसके हाथ में है वो सारथी कौन है? वो है मन। मन के हाथ में दसों घोड़ों की लगाम है, लेकिन मन मालिक नहीं है, मन सारथी है। मालिक कौन है? उस रथ में बैठने वाला उसका रथी कौन है? वो है आत्मा। समझ रहे हैं ना बात को? आत्मा मालिक है, मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है। लेकिन ये सारथी इतना चंचल है कि ये अपने ढंग से रथ को चलाता है। आत्मा कहती है नहीं भाई झूठ नहीं बोलना, ये गलत बात है। मन कहता है अरे कुछ नहीं होता, सब चलता है, कलयुग है, सब चलता है। तो मन अपने ढंग से चलता है। कई बार आपने देखा होगा हमारे अंदर अंतर द्वंद होता है, अंदर ही अंदर, तो आत्मा और मन के बीच में उथल पुथल होती। आत्मा कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मन कहता है कुछ नहीं होता सब चलता है, अरे मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। तो मन और आत्मा के बीच में संघर्ष होता है, पर कभी कभी हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है और मन जो है इतना बलवान हो जाता है कि मन अपने ढंग से चलाने लगता है। लेकिन आप जरा विचार करें, आपका कार का ड्राइवर है और आप कह रहे हैं कि हमें भैया वृंदावन जाना है और वो आपको हरिद्वार ले जाए, तो बात ठीक रहेगी? अच्छा हरिद्वार ले जाए तो ठीक है, और कहीं ले जाए है? तो ये मन जो है जब इसको स्वतंत्रता मिलती है तो ये मन अपने ढंग से चलने लगता है, और अपने हाथ में जिन घोड़ों की लगाम है उन घोड़ों को भी अपने ढंग से चलाता है। अब वो घोड़े इधर उधर भागेंगे तो रथ मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगा, और रथ को मंजिल तक ले जाना है तो भैया जो है कड़ा अनुशासन घोड़ों पर सारथी का हो, और सारथी के ऊपर रथी का अनुशासन होना चाहिए, आत्मा का अनुशासन मन पर होना चाहिए। अंदर चार चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब कुछ मनन करते हैं तो हम उसको मन कहते हैं, जब निर्णय करता है तो उसको बुद्धि कहते हैं, किसी चीज का चिंतन करता है तो उसको चित्त कहते हैं, और जब वो मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं इस तरह के भाव आता है तो वो अहंकार कहलाता है। ये वो अहंकार नहीं है जो अभिमान, अभिमान अलग बात है, ये अंतःकरण चतुष्टय का भाग है। तो इस प्रकार अपने मन को बहुत बस में रखने की आवश्यकता है। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ भागता है, ये मन भी नीचे ही भागता है, बुरी चीजों की ओर भागता है। अच्छा बताओ, गाली देना किसी ने किसी को सिखाया? कहीं ट्यूशन लेनी पड़ती है? चोरी करने की, झूठ बोलने की, छल कपट करने की कहीं कोई क्लास लगती है? और लोग एक से एक बढ़िया तरीके सीख जाते हैं। अच्छी चीजों के लिए तमाम प्रयास होते हैं पर उसमें कठिनाई होती है, क्योंकि मन जो है वो बुरी चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण करता है, नीचे की तरफ भागता है। जैसे पानी, पानी हमेशा नीचे भागता है। आप लोगों ने कभी पानी को ऊपर जाते देखा है? देखा है किसी ने? ओ बहन जी, पानी ऊपर जाते नहीं देखा ना? हमने तो देखा है। अरे भैया मोटर लगा दो और बटन दबाओ तो ऊपर जाता है कि नहीं? तीसरे मंजिल, चौथे मंजिल तुरंत पहुंच जाएगा। तो पानी वैसे तो ऊपर नहीं जाता, लेकिन यंत्र लगा दिया जाए तो यंत्र की सहायता से पानी ऊपर जाता है। पानी यंत्र की सहायता से ऊपर जाता है, और मन जो है वो मंत्र की सहायता से ऊपर जाता है। मन को ऊपर ले जाना है तो मंत्र का आश्रय लो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन
जप करो। मंत्र कौन सा बढ़िया है? अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि कौन सा मंत्र जपें, सबसे बढ़िया मंत्र कौन सा है। देखो मंत्र तो सभी अच्छे हैं, मंत्र का मतलब क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन करने वाले को जो उबार दे तार दे उसको मंत्र बोलते हैं। सभी मंत्र अपने आप में बड़ी शक्ति रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मंत्र हमारे लिए यदि कोई है तो वो हमारे गुरु जी के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र है, है? गुरु मंत्र में बड़ा पावर होता है और उसका पावर बड़ा इसलिए गुरु जी से लिया जाता है, गुरुमुख होकर मंत्र लिया जाता है। आप राम मंत्र जपें, कृष्ण मंत्र जपें, शिव जी का कोई मंत्र जपें, ये तो बहुत अच्छा है, महामृत्युंजय मंत्र जपें, लेकिन गुरु जी के द्वारा लेकर के गुरुमुख से जो मंत्र जपा जाता है उसमें बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है और वो ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक संत उदाहरण दे रहे थे, बोले मंत्र तो कहीं भी मिल जाते हैं, कोई पूछ रहा था तो गुरुजी से ही क्यों लें, तो वो उनका उदाहरण हमें बड़ा अच्छा लगा। बोले एक बात बताओ, जो कारतूस होता है कोई ऐसे फेंक के मार दे तो चोट तो लगेगी पर बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, मरेगा नहीं व्यक्ति, तो उसी कारतूस को कदाचित रिवॉल्वर में डाल के चला दिया जाए वो बहुत तेज काम करेगा। उसी तरह मंत्र तो मंत्र ही है, काम तो वैसे भी करेगा, पर जब वो गुरुजी के मुख से निकलता है और कान में जाता है तो उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है, पर वो बहुत विशेष कार्य करने वाला हो जाता है। खूब मंत्र जपिए, नित्य प्रति मंत्र का जप करने का अभ्यास बनाइए, जो भी गुरु मंत्र आपने लिया है। अब कई लोग कहते हैं हमने तो भगवान को ही गुरु मान लिया, कोई कहता हमने कृष्ण जी को गुरु मान लिया, कोई कहता शिव जी को गुरु मान लिया, कोई कहता हनुमान जी को गुरु मान लिया, ये विचार सही है या गलत है? गलत है भैया। श्री कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी गुरु बनाए कि नहीं? हनुमान जी आए तो उन्होंने भी गुरु जी बनाए कि नहीं? हमें भी कोई ना कोई अपना गुरु बना करके मंत्र लेकर के गुरु मंत्र का जप करना चाहिए।